जेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओवरी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप स्टार्ट किए होंगे इस चैप्टर को तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड दी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो ओवरी क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा आ जाइए, जो आपके एनसीईआरटी में साइज दिया हुआ है, जो कुछ भी एनसीईआरटी में सब याद करना है, साइज दिया हुआ है। साइज क्या दिया हुआ है, लेंथ। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, और ये लेंथ दिया हुआ है आपका 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ के बाद आपको याद रखना है इसका विड्थ भी और साथ में थिकनेस भी। विड्थ होगा 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस होगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए, अगर ओवरी का बात करें तो ओवरी का लोकेशन, बॉडी में लोकेशन कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, कोई बताइए। इन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में कहां पे, बिहाइंड, हाँ ठीक है, पेल्विक रीजन में, बिहाइंड दी किडनी, किडनी के पीछे, ठीक है। एलमेंट शेप का होगा, एलमेंट शेप होगा, और ये अटैच्ड होगा, अटैच्ड कहां पे होगा, अटैच्ड टू दी पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल, किसके मदद से, यूट्रस के मदद से जुड़ा हुआ रहेगा, लीगामेंट, ठीक है। ये लीगामेंट से अटैच्ड होगा आपका एब्डोमिनल वॉल, कहिए पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल वॉल जो होगा इससे अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो लिगामेंट होगा उस लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम, विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड ब्रॉड लिगामेंट थ्रू, किसके थ्रू होगा, मेसोवेरियम, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि ओवरी क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अगर बोल रहे हैं तो। क्यों इसे प्राइमरी बोला जाता है, व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इसको क्यों कहेंगे, व्हाई? कोई भी, हाँ, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट, फीमेल गैमेट्स, ये गैमेट बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग कोई भी, ठीक, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाला स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। अब जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो आज का जो टॉपिक है वो है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े होंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा अलग होगा। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस, कब ये बिगिन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एट द प्यूबर्टी, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। बट इन कंपैरिजन टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, द ऊजेनेसिस बिगिंस ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, और आप कह सकते हैं ड्यूरिंग इम्ब्रायोनिक लाइफ। ऊजेनेसिस जो है ये कब स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग द इम्ब्रायोनिक लाइफ, ये इम्ब्रायोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है और ये आपका कंटिन्यू रहता है। कब तक कंटिन्यू रहेगा, ऊजेनेसिस कंप्लीट कब होगा, ऊजेनेसिस कंप्लीट कब होता है, एट द फर्टिलाइजेशन, स्टार्ट होगा ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मीन्स यूटरस में ही, इम्ब्रायोनिक लाइफ में ही ये स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्लीट जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, यही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ऊजेनेसिस क्या हो गया, ऊजेनेसिस का अगर ऊजेनेसिस को हम लोग डिफाइन करें तो एक लाइन में ऊजेनेसिस को क्या कह सकते हैं, व्हाट इज ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस क्या हो गया, प्रोसेस, क्या चीज का प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर्ड मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाने का जो प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो जेनेसिस. ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट टेक्निक क्या है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी का, स्क्रीनशॉट. ठीक है, समझने का. सबसे पहले आपके पास होगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. क्या होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं PGC. अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या है, मीन्स ये सेल्स होंगे, जर्माइनल सेल्स होंगे, कहाँ पे, ओवरी में. और ये जर्माइनल सेल्स अंडरगोज दी मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन. ये बहुत सारा क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, और इस फेज को आप कह सकते हैं, ये जो फेज है, ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ये एक ऐसा फेज होगा जिसे हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेशन. क्या कहेंगे इसे, मल्टीप्लीकेशन. अब इस फेज में अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगोज दी माइटोटिक डिवीजन, और ये फॉर्म करेगा उगोनिया. उगोनिया और उगोनियम क्या होगा, इसका सिंगुलर हो जाएगा. अब जो ये उगोनिया है, बोला जाता है इन इम्ब्रियो मींस ड्यूरिंग इम्ब्रायोनिक लाइफ, इम्ब्रायोनिक लाइफ में 22-28 वीक्स एट दी, आप कह सकते हैं एट दी 22-28 वीक्स में ये उगोनियम का नंबर आपका होगा 6-7 मिलियंस. ठीक है, ये नंबर कितना होगा आपका, 6-7 मिलियंस. अब ये उगोनियम, उगोनियम में ग्रोथ होगा, और अगर हम लोग बर्थ के टाइम का बात करें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम लोग बात करें, तो बर्थ के टाइम पे आपको अगर नंबर का बात करें तो एनसीईआरटी लिखा है कपल ऑफ मिलियन. ठीक है, कपल ऑफ मिलियन का मतलब क्या है, 2 मिलियंस उगोनियम इन ईच ओवरी. ठीक है, और अगर यही हम लोग बात करें एट द प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी का बात करें एट द प्यूबर्टी, ये आपको कितना मिलेगा, 60-80 thousands. ठीक है, अब क्या है कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है आपका, अराउंड 6-7 मिलियंस. ये फॉर्म होगा ड्यूरिंग द अर्ली इम्ब्रायोनिक लाइफ, इम्ब्रायोनिक लाइफ के समय ये आपको कितना मिलेगा, 6-7 मिलियंस. और बर्थ के टाइम पे ये 2 मिलियंस उगोनियम प्रेजेंट होगा. और यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, अभी क्वेश्चन पूछे थे कि नो न्यू उगोनियम इज एडेड आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ, ठीक है, इसमें कोई भी न्यू उगोनियम ऐड नहीं होगा आफ्टर बर्थ. और एट प्यूबर्टी ओनली 60-80 thousand प्रेजेंट होगा. अब आउट ऑफ 60-80 thousand ओनली, यहां पे अगर देखिएगा तो ओनली अराउंड 400 उगोनियम, या कहिए यहां पे जो होगा प्राइमरी ऊसाइट होगा,
ओनली फोर हंड्रेड प्राइमरी, 300 to 400 कह सकते हैं प्राइमरी ओसाइट्स इंटर्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अब बताइए अगर हम लोग एज का बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट या कहिए बिगिन जो होगा कब होगा, एट द 12 इयर्स। ठीक है, 12 टू 13th या 12 टू 14th ईयर। ठीक, अब ये 12th उगोनियम का लाइफ का अगर बात करें कि ये यहाँ पे बहुत सारा उगोनियम है प्राइमरी ओसाइट बन के रेडी है, बहुत सारा है। इनिशियली अगर उगोनियम का बात करें ड्यूरिंग दी एम्ब्रायोनिक लाइफ 6 to 7 million है, अब ये घट के कितना रह गया, ओनली 4 millions, मीन्स 2 millions इन इच ओवरी, हर एक ओवरी में क्या होगा 2 millions ही होगा। और मैच्योरिटी प्यूबर्टी आते आते क्या हो गया, ओनली 60,000 to 80,000 रह गया आपके पास, 60,000 to 80,000 बच गए। अब इस बाकी क्या हुआ होगा, बाकी यहां पे डीजनरेट कर गया होगा, यहां पे बाकी क्या हो गया डीजनरेट कर गया। अब इसमें से आउट ऑफ 60,000 to 80,000 सिर्फ 400 को अलाउ होगा, 400 विल इंटर्स इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ, पर मंथ अगर हम लोग बात करें, पर मंथ एक प्राइमरी ओसाइट इंटर करेगा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, और ये ओवुलेशन होगा एज सेकेंडरी ओसाइट। तो अगर कोई प्राइमरी ओसाइट या सेकेंडरी ओसाइट, कोई सेकेंडरी ओसाइट अगर 12th ईयर पे रिलीज हो रहा है, और कोई अगर मान लीजिए 43-44 ईयर में रिलीज हो रहा है, कोई 12वां साल में, कोई 44 ईयर्स में, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा एज्ड या कहिए बूढ़ा एज्ड जो होगा वो कौन सा एज्ड हो जाएगा, जो 12th ईयर में रिलीज हो रहा है या जो 44th ईयर में रिलीज हो रहा है। मतलब ये बनना शुरू हुआ कहां पे बनना शुरू हुआ है आपका, ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक लाइफ, एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही, यूटेराइन लाइफ में ही ये बनना शुरू हो गया। अगर ये 12th ईयर पे अगर ये रिलीज हुआ तो इसका एज क्या होगा, 12 ईयर या 12 ईयर प्लस एम्ब्रायोनिक लाइफ। और अगर 44 ईयर में ये रिलीज हो रहा है तो इसका एज क्या हो जाएगा, 44 ईयर्स प्लस आपका यूटेराइन लाइफ, तो ये क्या होगा, एज्ड होगा। अब ये इतना बताने के पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि ये जो अगर अर्ली प्रेगनेंसी बोला जाता है कि अप टू 30 इयर्स, 30 साल तक, अप टू 30 इयर्स ये जो आपका ओबम होगा, एग होगा, ये क्या होता है आपका हेल्दी माना जाता है अप टू 30 इयर्स, क्योंकि ये ज्यादा एज नहीं होता, उगोनियम बूढ़ा नहीं होता, मीन्स ये एज्ड नहीं होगा, तो इसे हेल्दी बोला जाता है। अब अगर 40 इयर्स का बात करें तो इस एक का उगोनियम का एज क्या हो गया, 40 प्लस आपका यूटेराइन लाइफ, इसके वजह से ये क्या हो जाता है, हेल्दी नहीं रहता। और अगर एज्ड ग्रुप में या कहिए आफ्टर 30-32 इयर्स ओल्ड के बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो यहां पे कॉन्जेनाइटल डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज मीन्स जो डिजीज बर्थ से ही प्रेजेंट हो, मीन्स जन्म से डिजीज्ड होने का, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि उगोनियम का भी एज बढ़ रहा है, उगोनियम का एज बढ़ने के वजह से इसमें क्या आ जाता है, डिटोरिएशन हो जाता है, और इसी डिटोरिएशन के वजह से एज्ड ग्रुप का जो फीमेल होता है उसमें अगर प्रेगनेंसी होता है तो इसके वजह से क्या होगा, बच्चे में कॉन्जेनाइटल डिजीज होने का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो एक टाइमलाइन आपको बताया कि टाइमलाइन क्या है कि अगर यूटराइन लाइफ है ड्यूरिंग अर्ली यूटराइन लाइफ या 20 to 28 वीक्स में क्या हो रहा है, 6 to 7 millions, बर्थ के समय जो उगोनियम प्रेजेंट रहेगा 2 millions होगा, और प्यूबर्टी में ओनली 60,000 to 80,000, और इसमें से ओनली 300 to 400 विल इंटर्स इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये नंबर का कहानी है। अब क्या है कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है
ये एग्जैक्ट ओजेनेसिस प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपके पास क्या होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, पीजीसी, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस, और इसके बाद जो बना यहां पे आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, उगोनिया, ठीक है। ये उगोनिया मिला। अब ये जो उगोनिया है इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, मींस डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएटेड, और डिफरेंशिएटेड होने के बाद ये क्या बनाएगा, प्राइमरी ओसाइट्स। क्या बनाएगा, प्राइमरी ओसाइट्स। अब जो ये प्राइमरी ओसाइट्स है आपके पास, ये प्राइमरी ओसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होगा, ये प्राइमरी ओसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होगा, मींस मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी ओसाइट्स, और ये पोलर बॉडी। अब फिर नेक्स्ट आइए, अब मियोसिस टू का बात करें, मियोसिस टू, तो यहां पे सेकेंड पोलर बॉडी। अब आइए, ये तो प्रोसेस है, कब कौन सा इवेंट होगा, कब कंप्लीट होगा, किस फेज में अरेस्ट होगा। तो ये पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का डिवीजन होगा, डिवीजन होके ये क्या बनाएगा, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होगा, डिवीजन से जो मिलेगा इसे हम लोग बोल दिए उगोनिया, ठीक है। अब ये उगोनिया डिफरेंशिएट करके क्या बना लेगा, प्राइमरी ओसाइट। अब ये सारा इवेंट जो है, ये सारा का सारा इवेंट कहां पे होगा, कब होगा, किस फेज में होगा, ये कब होगा, बिफोर बर्थ, मींस ड्यूरिंग इम्ब्रायोनिक लाइफ। सारा का सारा इवेंट कब हो गया, इम्ब्रायोनिक लाइफ में ही हो गया। यहां पे आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड किया, बहुत सारा उगोनिया बना, उगोनिया में ग्रोथ हुआ, मींस डिफरेंशिएटेड किया, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद ये क्या बना लिया, प्राइमरी ओसाइट्स। अब प्राइमरी ओसाइट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, बट ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये क्या होगा, अरेस्टेड होगा। यहां पर आप कह सकते हैं इधर ये अरेस्टेड होगा, किस फेज में अरेस्ट होगा, कहां पे ये अरेस्ट होगा, किस फेज में बताइए, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट बनाने से पहले, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होने से पहले ये अरेस्टेड होगा, और किस फेज में अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड इन अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, याद रखिएगा प्रोफेज फर्स्ट, और उसमें भी कौन सा, लैक्टोटीन, ठीक है। किस फेज में अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट लैक्टोटीन, ठीक है, ये अरेस्ट रहेगा। और जैसे बर्थ से लेके नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये क्या बात करने जा रहे हैं कि अब बर्थ के बाद, बर्थ से लेके प्यूबर्टी,
बर्थ से लेके प्यूबर्टी, यहां पे जो आपका प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस क्या हो गया, बर्थ के पहले ही आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में डिवीजन हुआ, डिवीजन होके ये क्या बना लिया, उगोनिया बना लिया, उगोनिया में ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद ये प्राइमरी ओसाइट बना लिया, ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही होगा, और एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही ये मियोसिस में इंटर किया, इंटर करने के बाद इट गेट्स अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होगा, और प्रोफेज के किस फेज में, लैक्टोटीन में, पढ़ते हैं ना, पढ़े थे, याद है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब, तो लैक्टोटीन फेज में ये अरेस्ट है। अब क्या होगा कि एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, अब इसमें ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, ओवुलेशन होने से पहले ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा, मींस ये जो सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, ये सेकेंडरी ओसाइट कब बनेगा, कब बनेगा, जस्ट बिफोर द, या कहिए 24 to 48 आवर, ठीक है, 24 to 48 आवर बिफोर ओवुलेशन, ठीक है, मीन्स ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट का, यहां पे है ना सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन कब होगा, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन कब होगा, जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, मींस यहां पे क्या कर सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड 24 to 48 आवर बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से जस्ट 24 से 48 घंटे पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट जो ये आपका अरेस्टेड था, अरेस्टेड था ये प्यूबर्टी में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के समय ये मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, और यहां पे ओवुलेशन के जस्ट पहले ये क्या कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ओसाइट। अब एक क्वेश्चन यहां से आया है, आता है, एक एमसीक्यू निकलता है कि ओवुलेशन जो होगा, ओवुलेशन समझ में आ रहा है, मीन्स अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होगा, टर्सियरी फॉलिकल जो होगा, जब ये फटेगा, रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद जो इससे एग होगा, मींस ओवुलेशन किस किस फेज में होगा, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट या उगोनियम, किस फेज में होगा ओवुलेशन, सेकेंडरी ओसाइट, ये यहां से समझ में आया, कैसे सेकेंडरी ओसाइट में होगा, जन्म के पहले, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ, एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही क्या हो गया कि ये पूरा डिफ्रेंशिएट होके प्राइमरी ओसाइट बना लिया, और मियोसिस स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज में फर्स्ट में प्यूबर्टी, आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस समय क्या इवेंट होगा, इस समय जो इवेंट हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है कि आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और कब कंप्लीट होगा, जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, ओवुलेशन होने के पहले, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट के साथ में यहां पे क्या बनेगा आपका, पोलर बॉडी, और इसको हम लोग कह देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या है नेक्स्ट, अब इसके बाद जो इवेंट होगा मींस ये, अब यहां पे ये जो सेकेंडरी ओसाइट है मींस ये मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या होगा कि गेट अरेस्टेड इन मियोसिस टू, अब जो ये सेकेंडरी ओसाइट है ये मियोसिस टू के किस फेज में अरेस्ट हो जाएगा, अगर सेकेंडरी ओसाइट का बात करें, अब यहां पे जब आपका सेकेंडरी ओसाइट बन गया, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बट सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद जो यहां पे क्या होगा कि ये अब अरेस्ट हो जाएगा, इट गेट्स
अरेस्टेड, ये किस फेज में अरेस्ट होगा? अरेस्टेड इन मेटाफेज, मेटाफेज टू। ठीक है, ये मेटाफेज टू में क्या है, अरेस्टेड हो जाएगा। मीन्स मियोसिस फर्स्ट तो यहां पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये आके अरेस्ट हो गया। मीन्स यहां पे जो मियोसिस टू होगा ये अरेस्ट हो गया किस में, मेटाफेज सेकेंड में। अब जो ये है मीन्स अभी तक जो है आपका क्या है, ओवम मैच्योर नहीं हुआ, ओजेनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, इंड कब होता है, बिगिन कब हो रहा है, ओजेनेसिस बिगिंस ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ या कहिए इम्ब्रायोनिक लाइफ, और इंड कब होगा। अब देखिए कि ये तो अरेस्टेड है, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, मियोसिस टू के मेटाफेज फेज में, मेटाफेज में क्या है, अरेस्टेड है, ये आगे नहीं गया है अभी। अब यहां पे जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक, स्पर्म आएगा तो स्पर्म अपने साथ क्या लेके आएगा, क्या लेके आएगा, सेंट्रियोल्स। अब अगर यहां पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे क्या सर ऐसा क्यों होता है कि ये मेटाफेज टू में आके सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हो जाता है, इसका क्या रीजन है, व्हाई सेकेंडरी ओसाइट्स गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज टू, क्या रीजन है कि ये मेटाफेज टू में अरेस्ट हो जाता है, क्या रीजन होगा इसका, क्या रीजन होगा बताइए कोई, एनीवन, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। गुड, बिकॉज इट लैक्स, इसके पास क्या होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो स्पर्म आया, इधर कौन आया, स्पर्म आया, और स्पर्म अपने साथ क्या लेके आया, सेंट्रियोल लेके आया। सेंट्रियोल आने के वजह से मीन्स जस्ट आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कहिए कि आपका ओजेनेसिस यहां पे कंप्लीट होगा, ओजेनेसिस कंप्लीटेड एट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, ओजेनेसिस कंप्लीट होगा। ठीक है, मीन्स जस्ट बिफोर द फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट होने से पहले आपका ओजेनेसिस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ओजेनेसिस क्या है, इन कंपैरिजन टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम लोग बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में, अगर ओजेनेसिस को देखें तो ओजेनेसिस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब आपको क्या क्या याद रखना है, एनसीईआरटी का सारा बात याद रखना है कि आपका कितना होगा, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनियम जन्म से पहले या कहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको 2 मिलियंस, ठीक है, 2 मिलियंस कपल्स ऑफ द मिलियन ऑफ द ओगोनियम प्रेजेंट इन इच ओवरी, हर एक ओवरी में होगा। दूसरा जो आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी आते आते, ठीक है, प्यूबर्टी आते आते ये घट के इसका नंबर कितना हो जाएगा, 60 to 80,000। अब ये आउट ऑफ 60 to 80,000 इसमें से 300 से 400 ही कहां जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल से ये रिलीज होगा। अब जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है सिंपली क्या है कि जैसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, लेकिन यहां पर क्या होता है कि बार बार पॉज होता है, इवेंट में पॉज आता है। फर्स्ट जो है इम्ब्रायोनिक लाइफ, एक बार फिर से सुन लीजिए, इम्ब्रायोनिक लाइफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस होगा, और यहां पे क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, मींस ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बनाएगा, उगोनिया। ये जो हम लोग बात कर रहे थे 6 to 7 मिलियंस उगोनिया बना। अब इसमें से डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये क्या बनाएगा, प्राइमरी ओसाइट, और यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस स्टार्ट होगा बट इट गेट्स अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के लैक्टोटीन में ये अरेस्ट हो जाएगा। और ये जब अरेस्ट होगा, अब अरेस्ट है तो ये कब आगे बढ़ेगा, जब ये एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ ओव्यूल, जस्ट बिफोर द ओवुलेशन कहिए, ओवुलेशन से जस्ट पहले ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, रैप्चर होने से एक जो निकलेगा उसके जस्ट पहले, कितने देर पहले,
24 से 48 घंटे पहले ये क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह दिए सेकेंडरी ओसाइट। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ओवुलेशन जो होता है वो किस स्टेज में होता है, प्राइमरी ओसाइट, ओगोनियम या सेकेंडरी ओसाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू इधर से आपका, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है कि किस फेज में ये अरेस्टेड होता है और कब कंप्लीट होता है और क्यों ये अरेस्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होगा, सेंट्रियोल नहीं होने के वजह से ये मियोसिस टू कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो सेंट्रियोल इसको देता कौन है, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा तो इससे को सेंट्रियोल मिलेगा और ये सेंट्रियोल इसका क्या करेगा, मियोसिस टू कंप्लीट करा देगा। और मियोसिस टू कंप्लीट करेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी और ये आपका मैच्योर ओवम अब बन गया, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, ये मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया?